Я фашист, фашист! На война! Я фашист, фашист! На война! Я активист! На война! Я шалик килим! На война! Я шалик килим! На война! Я тор фор! На война! Я тор фор! На война! Я фарко! Я каро! Мы фарко! Я каро! Мы фарко! Я каро! Мы фарко! Я каро! Зафар Ахмад, जब यहां से किसी लोगों ने भड़काया, ये 11 साल का बच्चा था, ये जब ये फंस गया था बेचारा, ये इसको पता नहीं मैं कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ। और ये बोल बिल्कुल मुफलिस खानदान का बच्चा है, लेकिन इसका किसी ने नहीं सुना। आज 14 साल के बाद इसको फांसी का फैसला सुनाया गया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने। हम उसको गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से इस मासूम बच्चे पर तरस खाए, इसको छोड़िए। इसका ये जो इसको उन्होंने ये फांसी का फंदा सुनाया, इसको वापस ले ले, क्योंकि कश्मीर में आरी ये हालात खराब है, वरना इससे बहुत हालात खराब हो जाएंगे। कि बच्चा था वो, उसको किसी ने भड़काया होगा, उसका जहन नहीं था, ऐसा अंडरेज था बिल्कुल। उसको नाबालिग ने पकड़ा भी गया है और अब इसको सजा मौत की सजा सुनाई गई है। आप क्या हुकूमत से क्या चाहते हैं? हम हुकूमत से चाहते हैं उसकी रिहाई, इंसाफ करो हमारे साथ। अगर इंसाफ नहीं करोगे तो हालात दिन ब दिन बदतर ही बदतर हो जाएगा। इंडिया।